पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी चुनाव अखाड़े में उतर चुके हैं। अपनी लुभावनी बातों से जनता को आकर्षित करने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सही मायने में वोट के असली हकदार प्रत्याशी, समाज सेवा की भावना रखने वाले भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इन झूठे वादों से अलग हटकर आदर्श पंचायत बनाने के सपना को लेकर अतिम निवासी भूतपूर्व सैनिक मोहन शाह की पत्नी मुखिया प्रत्याशी शिव दुलारी कैमरा छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रही हैं। वहीं निवर्तमान मुखिया अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में उपलब्धि गिना रहे हैं। इस चुनावी सभा में KNU संवाददाता रामराज सिंह ने मुखिया प्रत्याशी शिव दुलारी से खास बातचीत की। मैं हूं रामराज सिंह, आप देख रहे हैं KNews। अभी पंचायती चुनाव शुरू है, प्रत्याशी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, नए नए वादों के साथ किस तरह के वादे कर रहे हैं। कुछ लोग लुभावने वादे करते हैं, कुछ लोग पूरा करने के लिए करते हैं, तो इस तरह की तमाम अभी गतिविधि चल रही है पंचायत में। इसी को लेकर के हम अभी नावनगर थाना क्षेत्र के अतिमित पंचायत के अतिमित गांव में हैं, जहां पर मुखिया प्रत्याशी शिव दुलारी हैं। इनके पतिदेव भी हैं यहां मौजूद, जो मोहन शाह हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दाएँ होंगी, किस मुद्दा के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ हम चलते हैं मुखिया प्रत्याशी से के पास, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका मंतव्य है, क्या मैनिफेस्टो है, कौन सा मुद्दा लेकर पंचायत में उतर रहे हैं। मैम, आपका KNews में स्वागत है। आप मुखिया के उम्मीदवार बने, कौन सा वादा लेकर के क्षेत्र में जाता नहीं जनता के बीच? मेरा शोक था मुखिया का है, मुखिया बन जाएंगे तो हम गरीब को सेवा करेंगे, गरीब आदमी को हम देखेंगे, जो कहेंगे उसको हम करेंगे, गरीब को हम सेवा करेंगे, गरीब हमको जीते दिखेंगे, जहाँ नली गली नहीं है नली गली बनवाएंगे, गरीब को सेवा करेंगे, गरीब पार्टी को जो बोलेंगे सो हम सब करेंगे। जो भी आपके मतदाता हैं पंचायत क्षेत्र में, उनको किस क्या अपील करेंगे? जो भी आपके आपके मतदाता हैं वोट देने वाले, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे कि भाई एकदम निष्पक्ष होकर चुनाव कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं तो हम आपका साथ हैं। किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हो, हमारे पास एकदम डायरेक्ट आइए और संवाद कहिए, उसका मैं निदान जरूर करूंगा। कौन से चुनाव चिन्ह लेकर उतरे हैं चुनाव अखाड़े में? ये हमारा चुनाव चिन्ह है कैमरा छाप, यानी फोटो खींचने वाला कैमरा, ये मेरा कैमरा छाप है। 9 नंबर पर मैं हूँ, 9 नंबर पर भारी मतों से। मैं यही जनता से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि 9 नंबर पर भारी मत से इस मिलिट्री मैन को विजय बनावे और मेरा संकल्प पूरा करें कि ताकि आप लोग का मैं सेवा करते रहूं। जी जी, तो अभी आप देख रहे थे शिव दुलारी और मोहन शाह से खास बातचीत, इनकी मन की बात, क्या सोच रहे हैं मुखिया बनने के बाद, इनका पहला प्राथमिकता क्या होगा, कितनी स्नेह है पंचायत के प्रति, इन से अभी बातचीत के दौरान जो बातें छनकर आई है, यही लगता है कि मिलिट्री मैन एक सराहा डिसिप्लिन के पुजारी होते हैं और इनके हाथ में अगर पंचायत की कमान मिलती है तो इस पंचायत को आदर्श बनाने की इनकी पूरी संकल्प है। तो आप बने रहें KNews के साथ। मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।